आज राज किचन रेसिपी बनाएंगे काबुली चने। काबुली चने नहीं बनाएंगे, जो भोग लगता है ना माता रानी को, काबुली चने और आलू की सब्जी बनती है, जो कन्याएं आती है उनके लिए बनाया जाता है ना भोग, उनके लिए काबुली चने और आलू बनाए जाते हैं। उसके बाद पूरी खीर, पूरी रेसिपी बताने वाला आपको भी। आपने एक बार मेरे तरीके से बना ली ना, सच में कन्या पूरी प्लेट साफ करके जाएंगी और आपकी तारीफ जरूर करेंगी। अब होता तो ऐसा है कि कन्या हर जगह झीमने जाती हैं। झीमने का क्या मतलब होता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वो हर जगह झीमने जाती हैं और क्या होता है कि उनको सब जगह जाना होता है तो वो कम कम खाती है। लेकिन जब आप स्वादिष्ट और मसालेदार और इतनी बढ़िया रेसिपी बनाओ ना, खीर बढ़िया होगी, उसके बाद में ये आलू छोले की सब्जी बढ़िया होगी, पूरी अच्छी होगी और सारी चीज़ें बढ़िया होगी, तो वो जहाँ चार पूरी खाती होंगी वहाँ छः पूरी खा जाएंगी और आपको बढ़िया आशीर्वाद देके जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिए 250 ग्राम काबुली चने। सबसे पहला जो काम है आपको, नवरात्रि के जिस दिन भी आप कन्या कुछ अष्टमी को करते हैं, कुछ सप्तमी को करते हैं और कुछ नवमी वाले दिन करते हैं और कुछ लोग दसवीं को भी करते हैं, तो आप कब कन्या भोग करते हो, कब आप कन्याओं को भोजन कराते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। तो 250 ग्राम काबुली चने लिए, ले लिया है पानी और भिगो देते हैं। कितना पूरा, आपको ये देखना है कि जब भी आपको जिमाना है तो आपको क्या करना है, इन्हें 15 घंटे पहले भिगो के रख देना है, ठीक है। तो हम इनको भिगो के रख देते हैं, फिर बाकी चीजें मैं बताता हूँ आपको बाद में। 20 घंटे बाद चनों का हो जाएगा ये हाल। देखिए कितने बढ़िया से उबल गए हैं, उबले नहीं है, उबले जैसे हो गए हैं। अब इसमें से बस आपको ये हरा कलर का चने निकाल देने हैं, ये काबली चने जो हरा हो ना वो निकाल देना है। पानी देखिए कितना गंदा हो गया है, और कोई कहे आपको 5-7 घंटे में हो जाएंगे तो कभी भी नहीं होंगे। हाँ, पर एक आइडिया बता देता हूँ आपको कि अगर जैसे आपको 5-7 घंटे में चाहिए ना, तो आपको बस एक ही काम करना है। क्या करना है कि आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है और गुनगुने पानी में इनको धूप के अंदर रख दें तो ये 5-6 घंटे के अंदर ठीक ठाक हो जाएंगे। तो ग्रीन कलर के हम निकाल देते हैं इसमें से सारे। इसमें से हमने निकाल लिए हरे चने, अब इनको हमें 2 या 3 बार धोना है, तो यहाँ डाल देते हैं इनको साफ पानी में। तो ये निकाल लिया हमने धोकर 2 बार पानी में से, और अब आ जाती है बारी काले चने की। देखिए काले चने नहीं बनेंगे जब तक माता रानी के भोग कैसे लगेगा। काले चने और हलवा और पूड़ी तो बहुत जरूरी है, और खीर ये तो जरूरी है। सब्जी वगैरह तो कन्या भोग में बनाई जाती है। ये देखिए ये जो चने हैं ये मैंने 6 घंटे पहले भिगोए हैं। ये पानी किया था मैंने हल्का गुनगुना, और गुनगुने पानी में इनको रख दिया था मैंने धूप में 3 घंटे के लिए, ये हो गए क्योंकि मैं इनको भिगोना भूल गया था। तो भी ये 4 घंटे में आपके ऐसे हो जाएंगे, 4 या 5 घंटे के अंदर। चलिए अब इन्हें भी धो लेते हैं और इन सबको भी साइड में रखते हैं, और सबसे पहले बनाएंगे मीठा। तो दोस्तों कहा जाता है कि जब भी आप कोई भोग वगैरह बनाएं तो सबसे पहले मीठा बनाएं, चाहे आप कुछ भी बना ले, हलवा बना ले या खीर बना ले। तो मैं पहले खीर बना लेता हूं। तो यहां खीर बनाने के लिए हमें बस इतना ही सामग्री चाहिए, और इतनी इतनी शानदार खीर बनेगी कि आपने अभी देखा ना जैसे वैसी ही खीर बनेगी। तो यहाँ पर हमने 150 ग्राम बिल्कुल साबुत बासमती चावल लिए, साबुत लेने ध्यान रखना। इसमें एक और चावल आते हैं, मोटे होते हैं थोड़े से और लंबे तो होते हैं पर इतने लंबे नहीं होते, तो लंबे चावल लेने हैं, बासमती लेने हैं 150 ग्राम। दूध लेना है कितना, 2 लीटर दूध लेना है, ठीक है, डबल टोड वाला। साथ में हमें यह लेनी है 200 ग्राम चीनी, थोड़े से काजू की टुकड़ी, फूल मखाने करीब 1 कप और करीब 50 ग्राम बादाम, केसर की 1 छोटी डिब्बी 2 ग्राम के आसपास, और इलायची पाउडर थोड़ा सा 8 से 10 चुटकी या 1 बिल्कुल छोटा चम्मच। अब सबसे पहले जो काम करना है वो हमें करना है क्या, कि हमें करना है चावलों के साथ में काम। तो हमें सबसे पहले चावल को एक बार धोना है, 1 बार या 2 बार इनको हल्के हाथ से धो लें। ज़्यादा रगड़ोगे तो क्या होगा, गीले होने के बाद ये जल्दी टूट जाते हैं, जैसे ही थोड़ा सा ऐसे करेंगे ना तो टूट जाएगा। तो बस इसे 2 बार हम एक बार धो लेते हैं, ये धो लिया एक बार और एक बार और धो लेते हैं। देखिए कितना पानी गंदा हो गया। ओहो, भगोनी चढ़ा देते हैं गैस पे
और सबसे पहले इसे गर्म होने देते हैं। भगोनी गर्म होते ही 200 ml पानी। अब देखिए आपको पतली बनानी है तो आप क्या करें, डबल टोड वाला अगर दूध लें 2 लीटर तो उसमें क्या करें आप आधा लीटर पानी डाल दें। अगर पतली बनानी गाढ़ी बनानी तो यही काम करना पड़ेगा, 200 ml पानी डाल देना है और 1.5 से 2 लीटर डबल टोड वाला दूध डाल देना है। और ये जो दूध है एक बार मैंने गर्म किया हुआ था तो ये लीजिए, अब इसमें उबाली आने देते हैं। चावल हमने धो लिए हैं, वापस हमने डाल दिए हैं पानी में और इनको भिगो के रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट। यहाँ पर हमने 1.5 लीटर दूध लिया था, उसमें डाला था हमने भगोनी चढ़ाई पहले, भगोनी में डाला हमने 200 ml पानी और 1.5 लीटर डबल टोड वाला दूध डाला। अगर आप गाढ़ी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पानी का यूज़ ना करें, सबसे बढ़िया है। और अगर पतली चाहते हैं तो मैंने 200 ml डाला है तो इस जगह 500 ml आप पानी डाल सकते हैं। तो अब इसमें एक बार उबाली आने देते हैं और यहाँ पर जब तक हम ये थोड़े से काजू हैं हमारे पास में तो इनमें से आधे काजू तो हम बारीक बारीक काट लेंगे और ये जो बादाम है इसमें भी हम ऐसे करेंगे कि इनको छील लेंगे पहले और इनको बारीक बारीक काट लेंगे और कुछ को लंबा लंबा काट लेंगे। तो देखिए उबाली आने लग गई है, ये देखिए क्या बात है, गैस करेंगे लो फ्लेम पर। अब डाल देंगे केसर के धागे 2.5 ग्राम यहां पर डाल देने हैं और अब इसे 1 से 2 मिनट और चला लेना है मीडियम लो फ्लेम पर या लो फ्लेम पर, इसमें कलर आने देना है। और हाँ, वीडियो छोड़ के नहीं जाएं, इसी खीर के अंदर लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, वीडियो को लास्ट में एक ऐसी चीज डालूंगा कि आपकी खीर पूरी चट हो जाएगी और सब तारीफ करेंगे, सच बता रहा हूं आपको, सब तारीफ करेंगे। मतलब लोग आपकी खीर खाएंगे ना तो पूछेंगे जरूर कि भाई साहब आपने डाला क्या, इतना स्वाद कैसे आ रहा है इस खीर के अंदर, आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया हुआ, इतना बड़ा सीक्रेट है। चाहे आप कितना भी पतला दूध ले लो, अगर लास्ट में अगर आपने वो चीज डाल दी तो समझ लीजिए आपकी खीर इतनी स्वादिष्ट हो जाएगी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। लास्ट तक बने रहना, पर जब लास्ट में बताऊंगा ना तो आप भी कहोगे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ये देखिए दूध का कलर चेंज हो गया है बिना हल्दी के। तो ये देखिए दूध का कलर क्या शानदार हो गया है बिना हल्दी के, आय हाय हाय हाय, ये केसर वाला दूध हो गया है, देख लीजिए आप। अब इसमें क्या करना है, इलायची पाउडर डाल देना है, ये लीजिए इलायची पाउडर हो गया। और यहां पर देखिए आप, ये हमारे काजू बारीक बारीक हो गए, बादाम हो गई, ये थोड़ी सी टुकड़ी हमने रख ली, थोड़ी सी कतरन हमने और ले लिए 20 ग्राम के आसपास, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पर चावल के पास में और ये चावल उठाकर देखिए कैसे खिले खिले, ओहो देखिए चावल, देखिए आप क्या चावल है। अब इनको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, मसलना नहीं है, अगर मसल दोगे तो टूट जाएंगे सारे, सीधा उठाकर पानी सही थी डाल देना है और ऐसे लेकर, ये देखिए क्या बात है, आय हाय 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 मजा आ गया। अभी मजा तो देखिए आप लास्ट में एक चीज डालूंगा जब आएगा, क्या बात है, इलायची पाउडर ऊपर आ रखा है, चावल चिपक गए हैं, ये लीजिए। अब इन्हें जोर जोर से नहीं लाना है, इन्हें बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से चला देना है और छोड़ देना है कितनी देर के लिए, लो फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट इन्हें छोड़ दें, सिर्फ 2 मिनट, चिपक गए हैं चमचे में, अरे निकलो, अरे निकलो यार, नहीं निकल रहे हो, कोई बात नहीं चम्मच से तो निकलोगे, ये 2 मिनट रहने देते हैं लो फ्लेम पर, पूरे 2 मिनट हो गए हैं, अब हिला लेते हैं। अब बताइए मैंने ये क्यों किया, इसलिए कि जैसे हल्के से चावल है ना, ये देखिए क्या बात है, चावल देखिए आप ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, चलिए पास से दिखाता आपको, ये देखिए ये ऐसे ही रहेंगे। अब क्या होता है कि जैसे अपन चावल डालेंगे
जैसे हमने चावल डाले, चावल डालने के बाद हिला देंगे तो क्या होगा, चावल सारे टूट जाएंगे। फिर आपको लगेगा यार हमने तो साबुत चावल डाल लेते। अब जैसे ही ये क्या करेंगे, जैसे ही ये थोड़े से जो गर्म दूध है ना उसके अंदर जैसे जैसे हल्का सा ये पकेंगे ना, उसके बाद नहीं टूटेंगे, उसके बाद आप इसे कितना भी हिलाओ नहीं टूटेंगे। तो दो मिनट तो हो गए हमें मीडियम लो फ्लेम पर, लो फ्लेम पर। अब बस हमें इन्हें ज़्यादा नहीं हिलाना है, ऐसे ही दो दो मिनट में इन्हें हिलाते रहना है, और इन्हें समय लगेगा 5 मिनट और। तो आपको जो काम करना है ना वो क्या करना है, आपको काम करना है इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही 5 मिनट पकाना है, और फिर गैस कर देनी लो फ्लेम पर। और देखिए आप चावल, देखिए आप कैमरा ब्लर कर रहा, देखिए आय हाय 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 मज़ा आ गया। अब क्या करना है हमें, अब इसमें हमने डाल देने हैं जो बारीक बारीक काजू काटे थे वो डाल देंगे, थोड़ी सी बादाम कतरन डाल देंगे, देख लेंगे कुछ है तो नहीं इसमें। चलिए ये लीजिए, अब डाल देंगे इसमें जो हमने साबुत काजू भिगोए थे ना, मतलब टुकड़ी भिगोई थी जो, वो डाल देंगे। बारीक बारीक बादाम काटी थी वो डाल देंगे। अब चावल लिए थे हमने 150 ग्राम और चीनी ली हमने 200 ग्राम। इस चीज का ध्यान रखें, अगर आपको बराबर मीठा चाहिए तो जितने चावल उतनी चीनी डालनी है, ठीक है। पर मैंने पिछली बार बनाई थी तो बोला था मीठा कम है, मीठा कम है, तो इसलिए मैं 200 ग्राम डाल रहा हूँ इस बार। चावल से 50 ग्राम ज़्यादा चीनी, शक्कर लीजिए, अब इसे मिला लेते हैं। अब इसे मीडियम लो फ्लेम पर बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएंगे। अब वैसे भी चावल टूटेंगे नहीं, आए हाय 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 क्या बात है, अरे रे 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 रे, देखिए ऐसी तो खीर आपने खाई नहीं होगी। हमें एक ही काम करना है, चीनी को घुलाना है बस। और हाँ, आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत पतली, इतनी पतली खीर कौन बनाता है। अरे रुको, थोड़ा लास्ट तक रुको, लास्ट में जब इसमें एक चीज डलेगी ना, और उसके बाद तो वैसे भी गाढ़ी होगी एक बार, फिर देखना आप क्या शानदार खीर बनेगी। आय हाय हाय एकदम गाढ़ी और स्वाद, कुछ मांगे नहीं मांगे कन्याएं आपसे खीर जरूर मांगेगी, ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। नहीं मांगे तो नाम बदल देना, लास्ट में जो मैं सामग्री डालने वाला हूं ना खीर जरूर मांगेगी। बस चीनी घुला लेनी है हमको, तो चीनी घुल गई है। और एक बात और बता देना आपको, एक सीक्रेट और, बारीक वाली चीनी डालें उसमें ज्यादा मिठास होती है, मोटी चीनी डालोगे तो उसमें स्वाद भी नहीं होता और मिठास भी कम होती है। अब लीजिए लास्ट और फाइनल ये फूल मखाने, अब बेड़े क्या बात है, अरे ये क्या आ गया, छिलका आ गया। अच्छा ये फूल मखाने है ना जिससे बनते, उसी का छिलका है ये देखिए, ये उसी का छिलका है। तो बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में कि ये फूल मखाने किससे बनते हैं, और इस पे जो काले काले डॉट है ना, अरे यार इस पे भी रह गया, ये सब छिलका ही है। ये लीजिए अब ये लीजिए, खीर करीब करीब बनकर तैयार है। 90% गैस को बंद कर देते हैं, थोड़ा सा इसे चला लेते हैं, और अब खीर को रख देते हैं ढककर। एक सामग्री ये जो लास्ट में डालेंगे उसके बाद खीर हो जाएगी बेमिसाल, और चावल है एकदम, वाह क्या बात है, ये देखिए। अब बना लेते हैं सब्जी, क्योंकि सब्जी गर्म कर सकते हैं, खीर गर्म कर सकते हैं, काले चने गर्म कर सकते हैं, बाकी चीजें गर्म नहीं कर सकते, तो इसलिए अब सब्जी बना लेते हैं। तो यहां पर ये इनका पानी भी निकल गया है, और आलू भी हमने छील लिए, 4 आलू लिए हमने, एक छोटे साइज का और 3 मीडियम साइज के आलू लिए, ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इतनी सब्जी में आपके कन्या भी जिम जाएगी, और घर वाले में, घर में भी अगर 7-8 लोग होंगे तो वो भी जिम लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिमने का क्या मतलब होता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यहाँ पे हमने काले चने का भी पानी निकल गया, अब समय बचाने के लिए क्या करेंगे, हम ये सारी चीज़ें एक साथ बॉयल करेंगे एक साथ। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, हमें ये जो काले चने हैं इनको हमें एक कपड़ा ले लेना है, और ये हमने 50 ग्राम काले चने लिए थे जिन्हें हमने भिगोया था, इनको हमें इस तरीके से बांध लेना है। ये देखिए ये सारी चीजें ऐसे लेकर, और ये देखिए इस तरीके से मुंह बांधकर, ये ऐसे पोटली खुलती नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें, ये पुराने समय का स्टाइल है।
इस तरीके से ये पोटली खुल जाएगी, तो फिर हमें एक एक चना छाटना पड़ेगा। ये देखिए ये बन गया अच्छे से, एक बार और बांध देते हैं। ये लीजिए, तो अब चने भी बॉयल हो जाएंगे, काबुली चने भी बॉयल हो जाएंगे और आलू भी बॉयल हो जाएंगे। अब हम यहां पर ले लेते हैं एक कुकर। कुकर में हम क्या क्या डालेंगे देखिए, हम इसमें डालेंगे 3 से 4 ग्राम जावित्री, दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच, अजवाइन 8 से 10 चुटकी, करीब 1 छोटा चम्मच काली मिर्च 50 के आसपास या 30 के आसपास, 1 चक्रफूल, 5 से 7 लौंग और बिल्कुल थोड़ी सी हींग डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, करीब 1 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे हम क्या डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे हम इसमें आलू। ये आ गए 4 आलू, अगर मोटा ज़्यादा बड़े आलू हो आपके पास ये साइज़ के आलू ना, तो 2 पीस करके डाल दें। डाल देंगे इसमें काबुली चने, काबुली चने मैंने आप वज़न शुरू में आपको बता दिया था कितना है, इनको ऐसे कर लेंगे और ये पोटली डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे पानी, अब देखिए पानी कितना रहना चाहिए, आलू हल्के से ऊपर रहने चाहिए, हल्के से ऊपर। ये लीजिए अब गैस ऑन कर देते हैं, ये कर दी गैस ऑन और चढ़ा देते हैं यहां पर। अब हमें क्या करना है, इसमें एक बार उबाली आ लेने नहीं है, इसमें जैसे एक उबाली आ जाएगी उसके बाद लगाएंगे ढक्कन। तो ये देखिए हल्की हल्की सी उबाली आने लग गई है, अब डाल देंगे, अरे नमक नहीं डालोगे तो अभी मजा नहीं आएगा ना, तो यहां डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच सी सॉल्ट, 1/2 चम्मच काला नमक और लगा देते हैं ढक्कन। अब क्या करना है, एक अरे ढक्कन सही से नहीं लगा, अब लगाया, अब क्या करना है, 1 सीटी हाई फ्लेम पे लेनी है, ये देखिए गैस हाई फ्लेम पे है, और 1 सीटी लेनी है बिल्कुल लो फ्लेम पर, और उसके बाद इसे हटा के रख देना, मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, हटा देना, गैस निकालनी नहीं है, तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। लग गई है 1 लो फ्लेम पर 1 हाई फ्लेम पर, गैस नहीं निकालनी है। अब इतनी सारी सामग्री चाहिए, देखिए टेस्टी बनानी है ना, तो इतनी सामग्री तो लगेगी लगेगी, इतनी मज़ेदार बनेगी, सब उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिए थे सबसे पहले जो मेन सामग्री है वो है टमाटर और पुदीना। तो यहाँ हमने 15 से 20 पत्ते पुदीने के लिए हैं, सिर्फ पत्ते पत्ते लिए हैं। टमाटर लिए हमने 5 लाल हल्के से जो होते हैं ना, उनके करीब करीब बीज और छिलका, बीज छिलका तो हमने निकाल लिया और कुछ बीज रह जाते हैं तो वो निकलते नहीं है, तो कोशिश करें बीज निकाल दें, बीज और छिलका बहुत नुकसान करता है। और ये देखिए यहाँ पर बीज तो हमने निकाल लिए हैं और ये उसका रस निकलता है ना, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें एक ही काम करना है, ये जो रस है ना ये रस छान लेना है, ये रस इसमें छान लेंगे। देखिए कितने बीज निकालिए, जितना हो सके उतना निकाल लें, करीब करीब तो हमने सारे ही निकाल लिए, थोड़े बहुत एकाध रह जाएगा तो चलेगा, क्योंकि बीज और छिलका बहुत नुकसान करता है। चलिए ये छिलके बीज रख देते हैं, छिलके तो हमने फेंक दिए। ये कुकर है, इसे उठाकर साइड में रख देते हैं, हटा देते हैं। कच्ची हरी मिर्च चाहिए 5, तीखी हो, देखिए आपको अगर पहचान नहीं हो तो कच्ची हरी मिर्च लेनी है, वैसे तो आपको 5 कच्ची हरी मिर्च लिए मैंने मीडियम साइज की, अगर तीखी हो तो 1 ही ले या 2 ले, उससे ज़्यादा नहीं ले, ठीक है। उसके बाद पुदीने पत्ते आपको बता ही दिए हैं, 15 से 20 बादाम लेनी है, इनका छिलका हम छील लेंगे, उनको 2 पीस में इस तरीके से देखिए छील के इस तरीके से 2 पीस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास आ जाती है भीगी हुई किशमिश, ये किशमिश लेंगे हम 2 चम्मच, भीगा लिए हमने, देखिए कितनी सुंदर और सुशील लग रही है। सौंफ चाहिए 8 से 10 चुटकी, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 काफ़ी बड़ा चम्मच या 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच राई के दाने, कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच,
राई के दाने एक छोटा चम्मच, हींग पाउडर एक छोटा चम्मच, तीखी वाली लाल मिर्च छोटा चम्मच, सी सॉल्ट स्वाद अनुसार, वैसे भी नमक डाल चुके हैं तो स्वाद देख के ही डालना है। उसके बाद काजू चाहिए, इन काजू को भी हमने भिगो के रखा था, इनको भी थोड़ा सा हम काट लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डेढ़ चम्मच, और आ जाता है यहाँ पे मेन सामग्री, क्यों मजा कर देगी, जलजीरा पाउडर एक छोटा चम्मच। चलिए यहाँ पर हमने चढ़ा दिया चाइनीज पैन, इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच तेल, 2 ऑयली वाले यहाँ पर पानी डाल दें। अब मेरे को कमेंट करते रहे टू ऑयली, तो भाई साहब ऑयल में डालो, पानी डाल लो, और मैंने 3 चम्मच डाला था, आप 1 बूंद डाल लो। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है होने देते हैं, अभी मैंने गैस बंद कर दी क्योंकि वो गर्म होने दो, क्योंकि इसमें से जो सामग्री निकलेगी ना वो भी हमें डालनी है। तो पूरी गैस निकल गई है, खोल लेते हैं ढक्कन, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। अब हमें बस कुछ भी नहीं करना है, इसको एक बार हमें चला लेना है, ये लीजिए इसे चला लेते हैं, एक बार चना देख लेते हैं, मेन तो चना ही है, कितना उबला है, ओहो बहुत गर्म है। चलिए अभी पहले क्या करते हैं, ये पोटली निकाल लेते हैं, ये काले चने की पोटली अलग निकाल के रख देते हैं क्योंकि इनको बाद में बनाएंगे, अब हमें सब्जी बनानी है तो ये सामग्री हमारे पास है। चलिए आलू को ही देख लेते हैं, और आलू इतनी अच्छे से उबल गया है, क्या बात है, मजा आ गया, आलू इतनी अच्छे से उबल गया था, चने के तो क्या बात है, आय हाय हाय, ये देखिए क्या शानदार आलू उबला, आय हाय हाय हाय, देखिए क्या बात है। अब देखिए हमें इसका पानी नहीं फेंकना है, ये चने काबुली चने और ये आलू ये निकाल लेने, और इसमें से जो हमने खड़े मसाले डाले थे वो निकाल लेने, वो ये देखिए सब खाली कर लिया, सारे खड़े मसाले निकाल लिए हैं, गैस वापस ऑन कर दिए। अब इसमें सबसे पहले हरी मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च के साथ पुदीना पत्ता, एक बार डाल के देखना बहुत मजा आने वाला है, स्वाद ऐसा हो जाएगा चटपटा एकदम चाट जैसा, लहसुन प्याज तो डलता नहीं है, ले ये थोड़ा सा मिला देते हैं, गैस लो फ्लेम पे करते हैं, ये निकले हुए खड़े मसाले डाल देते हैं, अदरक नहीं बताया था आपको इसलिए मैं बोलता हूँ आपको, मेरा वीडियो लास्ट तक देखा करो, वो 2 इंच अदरक टुकड़े में काट के डाल देते हैं। अगर आपकी हरी मिर्ची तीखी भी हुई ना और आपने इसे फ्राई कर लिया तो मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ, मतलब तीखापन निकल जाएगा, करीब करीब निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें डाल देने हमें टमाटर, बिल्कुल 8 से 10 चुटकी हल्दी, सौंफ, एक छोटा चम्मच हींग पाउडर, आठ से दस चुटकी सी सॉल्ट, 8 से 10 चुटकी काला नमक, क्योंकि सब जगह नमक डाल चुके हैं इसलिए सोच समझ के डालें, वरना फिर पानी डालना पड़ेगा आपको, ये पका लेते हैं। हाई फ्लेम पर 2 मिनट इसे चलाएंगे, पूरा सा डालेंगे 2 मिनट बाद पानी, और अब 2 मिनट के लिए से हम ढक्कन रख देंगे। अब आ जाते हैं हम
यहाँ पर ये रहे चने, इन्हें खोलकर निकाल लेते हैं। बांधना बहुत आसान है पर खोलना बहुत मुश्किल है इसे। ये लीजिए, अब चने भी दिखा देता हूँ आपको, चने कितने शानदार बॉले हुए। देखिए ये देखिए, ये हाथ चल गया। ये देखिए, ये चने देखिए आप, काले चने। अब इन्हें निकालेंगे एक प्लेट में, और इनको भी वैसे तो नमक वगैरह के बिना ही भोग लगता है, तो आप अलग से थोड़े से उबाल लें। पर वो जो जब हम कन्या जी माते हैं ना, तो वो खाती नहीं है, फिर वो बोलती है मज़ा नहीं आ रहा है, तो फीके नहीं खाती है, तो थोड़ा चटपटा करेंगे इनको, तो इनको रख देते अभी साइड में। यहाँ हो गए पूरे 2 मिनट, हटा लेते हैं ढक्कन, गैस को करते हाई फ्लेम पर, हाई फ्लेम पे थोड़ा चला लेते हैं। ये लीजिए, हाई फ्लेम पे चला लिया है 2 मिनट, गैस को बंद कर देते हैं, हल्का ठंडा करते हैं, बड़ी वाली मिक्सी में डालते हैं और इसका बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेते हैं। ये लीजिए, मस्त पेस्ट बन गया है, सिर्फ हल्दी है। देखिए कलर क्या आया है, सुंदर और सुशील वाली कढ़ाई चढ़ा दी है। जाएगा इसमें 4 चम्मच तेल, तेल गरम होते 1 छोटा चम्मच राई के दाने, 1 छोटा चम्मच या आधा चम्मच जीरा, क्या बात है। हल्का सा तड़का लगाना है, जलाना नहीं है। गैस लो फ्लेम पर 3 से 4 तेज पत्ते मीडियम साइज के, मतलब बिल्कुल छोटे वाले, सिंपल। क्या डाल लेना है, मिक्सी में जो पेस्ट बनाया था वो डाल लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ऐसे चला लेना है और डाल लेना है। गैस हाई फ्लेम पे कर देना है। क्या डाल देना है, किशमिश, काजू, बादाम। अब अच्छे से हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट बढ़िया से पकाना है इसे, बढ़िया से। 3 मिनट चला लिया है हाई फ्लेम पर, कसूरी मेथी इतनी सारी क्रश करके डाल देंगे। स्वाद पसंद नहीं आता तो स्किप कर सकते हो, मिला लेंगे। गैस लो फ्लेम पर 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, चटकारे के लिए जलजीरा, और 1 छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। आप मिला लेते हैं, क्या बात है। देखिए क्या कलर आया है, जैसे ही चला लो 2 मिनट और बढ़िया सा कलर आ जाए, फिर क्या कर देना है, ये कड़ी पत्ता 2 डंडी ये डाल देना, तेल में नहीं डाले, इसका स्वाद खत्म हो जाता है। ये लीजिए, मिला लेते हैं, मिला लिया। अब कुछ भी नहीं करना है, अब हमें इसमें क्या डालना है, चलो बताओ। पहले मैं सामान थोड़ा सा साइड में कर लूं, क्योंकि अब कुछ भी नहीं डलेगा अभी हाल फिलहाल। तो आ जाते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए, अब इसको हमने धोया था, आलूओं को अच्छे से धोया था, ये पानी फेंकना नहीं है। सारा स्वाद तो इसमें ही है, काले चने का भी जो कहते हैं ना न्यूट्रिशन भी इसमें ही है। अब हमें क्या करना है, ये उठाकर डाल देने यहाँ, और सारी अजवाइन इसमें ही है। अब इसे मिला लेना है, 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर इनको भी चलाना है। अरे क्या बात,
लो फ्लेम पे चलाना है, दो से तीन मिनट, चार मिनट भी चलाओगे तो और मजा आ जाएगा। क्या बात है, देखिए ये चला लेते हैं। ये देखिए हमने इसे पूरे, अरे तेज पत्ता घूमने जा रहा है, पूरे चार मिनट चला लिया। अब आलू खोल लेते हैं, देखिए ये देखिए आलू फूट गए। अब ये जो पानी है ये डालना है, पहले आधा डालते हैं, मिलाते हैं। मिला लिया, कम लग रहा है, लीजिए पूरा डाल देते हैं। पूरा डालने के बाद मिला लो, ये लीजिए पूरे परिवार के लिए, कन्याओं के लिए, सभी के लिए बन गए मोटे मोटे आलू। आपको पसंद नहीं है तो और खोल लो, मुझे तो मोटे मोटे आलू पसंद है और कलर भी शानदार आया है। अब हमें क्या करना है, बस बिल्कुल लो फ्लेम पर तीन से चार मिनट के लिए ढक्कन रख देना है। तो लीजिए समय हो गया है, पूरा हटा लेते हैं ढक्कन। क्या शानदार कलर आया है, गैस को कर दे हाई फ्लेम पर। डाल देते हैं 50 ग्राम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। क्या बात है, मजा आ गया। अब हमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इस जगह आप चेक नहीं कर सकते अगर आपको भोग वगैरह लगाना है तो, ठीक है, भोग वगैरह लगाना है कहीं पे तो चेक नहीं कर सकते हो, पर जैसे जैसे मैंने बनाया वैसे बताओ बनाओगे आप तो मजा आ जाएगा। चलिए मिला लेते हैं। हाँ, और एक और चीज बता दो, व्रत की कोई भी रेसिपी बनाए या कुछ के लिए बनाए जहाँ लहसुन प्याज यूज नहीं करते तो वहां पर आप किसी भी रेसिपी में गरम मसाला यूज ना करें, क्योंकि उसमें गार्लिक पाउडर आता है एक तो गरम मसाले में, और एक आता है ऑनियन पाउडर। तो पीछे देख लें आप कि क्या क्या सामग्री है तभी वो चीज डालें। गरम मसाले ऐसे भी आते हैं, गार्लिक पाउडर और ऑनियन पाउडर नहीं होता है, अधिकतर में तो होता ही है। तो ये लीजिए बढ़िया से कलर भी आ गया और इसे हमने करीब करीब दो मिनट चला लिया। चलिए इसे भी ढक्का रख देते हैं, एक बार अच्छे से उबाल आने देते हैं, फिर ढक्का रख देते हैं। और अब बना लेते हैं हलवा। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले जाएगा गाय का घी, कितना, 4 से 5 चम्मच। तो यहाँ पर मैं करीब 4 से 5 चम्मच गाय का घी, देसी घी डाल रहा हूं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और यहां पर मैंने 1 कप दूध चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। इस पे डाल देंगे करीब 2 ग्राम केसर और इसको उबलने देंगे। यहां पर देखिए घी मेल्ट हो गया है, इस पे डाल देंगे हम गैस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसमें डाल देते हैं 150 ग्राम सूजी। 150 ग्राम सूजी, ध्यान रखना इस चीज को, मीडियम लो फ्लेम पर इसे चलाना है। जब तक खुशबू नहीं आए तब तक चलाते रहे। मस्त खुशबू आने आनी चाहिए घी की, और सूजी एक मेल्ट खुशबू हो जाती है। अब मैं आपको, कलर भी चेंज हो जाता है वैसे तो, आपको दिख जाएगा वीडियो में। तो इसको हम अच्छे से, जितना आप इसके समय देंगे ना उतना बढ़िया हलवा बनेगा आपको, जितना इसको समय देंगे। दो जगह समय देना होता है हलवों को, हलवे को दो जगह आपने समय दे दिया तो समझ लीजिए आपका हलवा ऐसा बनेगा लोग प्लेट भी चढ़ जाएंगे। चलिए इसे ज़्यादा नहीं, मीडियम लो फ्लेम पर या लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट चलाना है। आहा, क्या घी की खुशबू आ रही है और कलर भी चेंज होने लग गया। और देखिए यहाँ पर केसर का दूध भी तैयार हो गया है, ये बहुत ज़रूरी है, ये मेन सामग्री अगर आपको टेस्टी बढ़िया वाला हलवा बनाना है। तो अब गैस बंद कर देते हैं हम और अब इसे चला लेते हैं।
अब आपको लग रहा है कि सूजी बहुत कम है, ये सूजी में कन्याओं के लिए भी हो जाएगा हलवा और घर वालों के लिए भी हो जाएगा। वो तो सब जगह खा के आती हैं, बिल्कुल जरा सा खाती हैं, लेकिन अपना काम तो है ना कि अच्छा बनाए। बिल्कुल क्या मस्त भीनी भीनी खुशबू आ रही है। अब एक और सीक्रेट बता दे रहा हूँ, हलवा सूजी का हलवा बना रहे हो, जब तक आपकी सूजी अच्छे से घी में पकेगी नहीं तब तक मतलब टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए क्या कलर चेंज हो गया है, और इसको आपको लो हाई मीडियम पे चलाना है और जला नहीं देना है, जला दिया तो और स्वाद खराब हो जाएगा। लीजिए अब इसमें केसर वाला दूध डाल देते हैं और मिला लेते हैं। अब 2 मिनट और चलाना है। दो मिनट या 1 मिनट, ये अब क्या करना है, ये देखिए जैसे पानी जल जाए मतलब दूध जल जाए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाए और मिलाते जाए, थोड़ा पानी डालो मिलाओ, थोड़ा पानी डालो मिलाओ, एक बार मिला लो। ये देखिए मिला लिया, गुठली नहीं बनेगी, फिर पानी डाल दो उसमें, फिर मिलाओ, जैसे पानी कम होने लगे, ये देखिए पानी कम होने लगेगा। अब पानी का बता देता हूँ हमको, करीब करीब इसमें पानी जाने वाला है 1 लीटर। ये देखिए 1 लीटर से यानी 750 ml या 1 लीटर, ये देखिए। अब चलाओगे इसको वापस पानी कम हो जाएगा। क्या बात है, इतना सुंदर हलवा तो मैंने पहले ही नहीं देखा कभी। चलाते रहे इस तरीके से, ये लीजिए फिर पानी की रिक्वायरमेंट, मांगता रहेगा ये, मांगता रहो डालता रहो। ये लीजिए जिसमें हमने बस फाइनल पानी हो चुका है, गैस को हाई फ्लेम पे करके इसको चलाते रहो, जैसे ही हल्का सा गाढ़ा होने लगे इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच या फिर 8 से 10 चुटकी। अब ये लात मारेगा, चलाते रहें, छोड़ दोगे तो मामला खराब हो जाएगा। ये देखिए और गाढ़ा हो गया, गैस को करें लो फ्लेम पे, भीगी हुई किशमिश 25 से 30 ग्राम, चलाओ वापस से। अब 1 चम्मच घी और फिर चलाओ। अब इसको एकदम गाढ़ा करना है, एकदम गाढ़ा, इस जगह गैस मीडियम लो फ्लेम पे या लो फ्लेम पे रखें। ये देखिए इस तरीके से ये कढ़ाई छोड़ देगा, जैसे ही ये कढ़ाई छोड़ देना, देखिए फिर बता रहा हूं आपको, जैसे ही ये कढ़ाई छोड़ दे, देखिए इसने कढ़ाई छोड़ दी है, ये देखिए कढ़ाई छोड़ दे, जैसे ही चीनी डाल देनी, कितनी जितनी सूजी उतनी चीनी, वाप मिला लेना, गैस लो फ्लेम पे, और बाहर कहा जा रही है, गैस लो फ्लेम पे रखनी है, जितनी चीनी उतनी, जितनी सूजी उतनी चीनी। हाँ अगर थोड़ा मीठा हलवा चाहिए तो जितनी चीनी, जैसे मान लो मैंने 150 ग्राम सूजी ली है, तो आप जैसे 150 ग्राम सूजी और 150 ग्राम चीनी, अगर ज़्यादा मीठा चाहिए तो 150 ग्राम सूजी और 200 ग्राम चीनी। अब लीजिए अब इसे और गाढ़ा होने देते हैं, क्योंकि चीनी ने भी अपना काम कर दिया, पानी छोड़ने लग गई है। बस 2 से 3 मिनट से और रेगुलर चलाएंगे हम, अब बन जाएगा मस्त दानेदार हलवा। पर ऐसे कैसे बन जाएगा,
अरे घी और जाएगा, 3 चम्मच घी और जाएगा यहाँ, ये देखिए 3 चम्मच घी, और अब चलाओ। यहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, 3 मिनट दोगे तो कम रिजल्ट आएंगे, 4 मिनट दोगे, 5 मिनट दोगे बढ़िया रिजल्ट आएंगे। 5 मिनट ऐसे चला हुआ, हलवा चिपकना चाहिए। और एक और बात बताते हैं, हलवा बनाओ ना तो हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाओ, जो बहुत ज्यादा पुरानी हो, नई कढ़ाई में बनाओगे तो चिपक जाएगा। ये लीजिए, ये दानेदार हलवा बनकर तैयार है, गैस को बंद कर देते हैं। अगर आपको ऐसा खाना है तो इसको कहीं भी नहीं जमाएं, इसको ऐसे ही रख दें, ऐसे रखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन आपको कतरिया वाला हलवा चाहिए ना, तो कन्याओं को अगर देना पड़ेगा तो कतरिया वाला हलवा चाहिएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिए एक प्लेट, और प्लेट में हमने घी ग्रेस कर दिया है, ये लीजिए इसे उठाते हैं और इसमें डाल देते हैं। गैस हमने बंद कर दी है, ये अब इसे फैला देते हैं, ये देखिए इस तरीके से ठंडा होने के बाद मस्त जम जाएगा ये। थोड़ा सा घी लग रहा है, कम मजा आ जाएगा, आए हाय हाय चिपक भी रहा है थोड़ा सा। ये लीजिए, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, सब कर दिया है। क्या करेंगे, बादाम कतरन इस तरीके से डाल देंगे, क्या बात, मजा आ गया। बादाम कतरन हो गई, पिस्ता कतरन, नमक वाली नहीं डाले, हलवा खराब हो जाएगा, क्या बात, मजा आ गया। अरे यार ये डालना पड़ेगा, अब एक बार चम्मच फिरा दे, ऐसे ऐसे कर देना है, चुबो देना है इसको हलवे में, गरम गरम में ही होगा, ठंडा होने के बाद तो कुछ भी नहीं होएगा। ये लीजिए रख देते इसे साइड में। तो अब बना लेते हैं चटपटे काले चने। डाल देंगे तेल 2 चम्मच, ज्यादा नहीं डालें, ये लो तेल ही खत्म हो गया। क्या करेंगे, डाल देंगे जीरा बिल्कुल 8 से 10 चुटकी या 1 छोटा चम्मच, और तड़का लगने देंगे, जलाना नहीं है, बस देखिए इतना ही तड़का लगाना है। अब 2 हरी मिर्च तीखी बिल्कुल छोटे साइज की, थोड़ा सा हरा धनिया, ये स्वाद बढ़ा देता है। ये लीजिए काले चने, क्या बात है, गैस हाई फ्लेम पर मिला लेते हैं। देखो कन्याओं के लिए बना रहे हो तो मिर्च का थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने कच्ची मिर्च ली है तो आप ना लें। क्या करेंगे, 2 से 3 चुटकी काली मिर्च पाउडर या दरदरी कुटी हुई, ये लीजिए, क्या बात है, बिल्कुल 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, क्या बात है, गैस बिल्कुल लो फ्लेम पर, स्टार सामग्री जो इसका स्वाद बढ़ा देती है। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो वो बिल्कुल बारीक बारीक करके डालें, लेकिन इसका स्वाद अलग ही है। ये ड्राई पुदीना 1 बड़ा चम्मच, क्या बात है, मिला लेते हैं, पूरे काले चने साफ हो जाएंगे आपके। मैं सिर्फ ये कन्याओं के लिए बना रहा हूं, घर में ना 8 से 9 लोग हैं, मैं खाता नहीं हूं और 4-5 लोग और नहीं खाते। ये लीजिए, अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए जलजीरा 1 छोटा चम्मच,
एक छोटा चम्मच चाट मसाला। क्या बात है, मजा आ गया। बाकी बचा हुआ हरा धनिया, किशमिश भिगी हुई, नीरिये मिला लेते हैं। क्या बात है, 8 से 10 चुटकी सी सॉल्ट, जब हमने बॉईल किया था उसमें नमक था, और 8 से 10 चुटकी या एक छोटा चम्मच काला नमक। काला नमक ज्यादा डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, मिला लेते हैं। क्या बात है, मजा आ गया। आधा चम्मच देसी घी। क्या बात है, ये लीजिए बस। मीडियम लो फ्लेम पर 2 मिनट चला लेंगे। ये हमारे चटपटे काले चने भी बनकर तैयार हैं। गैस को बंद करते हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बोला था कि खीर में एक ऐसी सामग्री डालेंगे कि खीर हो जाएगी स्वादिष्ट। ढक के रखा हुआ था, अभी तक खोला नहीं ढक्कन, ढक्कन खोल लेते हैं। ये देखिए खीर, क्या बात है, अरे वाह वाह, मौज हो गई भैया। ये देखिए मौज हो गई, और गाड़ी भी हो गई है। अब इससे क्या गाड़ी लोगे यार। पिछली बार कमेंट करा था आप लोगों ने कि बहुत पतली खीर बनाई है, चलिए कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी गाड़ी हो गई। ये देखिए, ये है स्टार सामग्री, ये है ग्लूकोस वाले बिस्कुट। अब मैंने उनको उल्टा कर रखा है क्योंकि मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो हमें क्या करना है। मैंने 15 ले लिए, तो वैसे भी देखिए खीर यहाँ पे काफ़ी गाढ़ी हो गई। अब ये 15 डाल दूंगा तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, हमें बस क्या करना है, यहाँ पर हमें ले लेने हैं 10 बिस्कुट। 15 मैंने लिए थे, मैंने सोचा कि ये रम्मी लेना है यार, तो हमें लेने हैं ये 5 और 5 10। अब इनका हमको चूरा बना लेना है एकदम बिल्कुल पाउडर। ये लीजिए, ये बना लिया हमने पाउडर, किसका, ग्लूकोस बिस्किट का। ये लीजिए, इसे मिला लेते हैं। क्या बात है, ये सबकी शिकायत दूर हो गई। और पिस्ता कतरन नहीं डाली थी, वो डाल देते हैं। क्या बात है, मिला लेते हैं। तो ये लीजिए, सब सामग्री भोग वाली बनकर तैयार है। ये देखिए हलवा, कलर देखिए आप, यहाँ पर थोड़ी केसर कम रह गई, वरना हलवे का और केसर। ये देखिए चावलों का कलर देखिए आप, आए आए आए। ये खीर हो गई, ये हो गई हमारी आलू छोले की, क्या मस्त, आए हाय हाय, मसालेदार सब्जी, आए हाय हाय। कोई मिर्ची नहीं है, कोई लहसुन नहीं है, कोई प्याज नहीं है, फूली फूली पूरी हो गई, काले चने भी बन गए हैं। और आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। मेरे चैनल पर और भी काफी रेसिपी होने, देखिए बनाइए, खिलाइए और तारीफ पाइए, क्योंकि जो मजा खिलाने का है वो खाने का नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सबसे पहले कन्याओं को भोग लगा कर खाकर खत्म करते हैं।